और सुनाओ आप। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा रखे हैं हमने, 2x4 की टाइल्स है ये, जीबीटी में आती है हमारा सारा, ताकि हमारे जो कस्टमर है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको कुछ बढ़िया से पता लगे। इसमें बताने का मेन रीजन ये है कि इसमें हमारे पास दो तरह की टाइल्स होती है, एक जीबीटी होती है, एक पीजीबीटी होती है। जीबीटी होती है ग्लेज विट्रीफाई टाइल्स होती है, जो कि हमारे 2x4 के साइज में है, जो ये हमने लगा रखा है। हमने बाथरूम के कुछ कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं। इसके अंदर आप SS की बिडिंग का भी यूज कर सकते हो। पेंसिल है ये, 4 फिट की होती है, SS की स्टील की है नहीं सर, ये तो सेरामिक है, 2 फिट की है, जो सामने हमारी लगी हुई है 4 फिट में आती है, SS होता है 4 फिट में। सेरामिक क्या है कि 4 फिट की रहती है तो टूट जाती है, उसमें दिक्कत आती है हमें। इसमें जंग वंग तो नहीं लगेगा? नहीं सर, 304 ग्रेड में है ये, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। और कुछ कॉन्सेप्ट्स के सामने हमने फ्लोर लगा रखा है, जो फ्लोर हमारे पास जो है, जैसे कि ये देख लो आप, ये फ्लोर है 16x16 12 mm के विट्रीफाइड। नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, जैसे कॉन्ट्रास्ट बनाना चाहो तो कॉन्ट्रास्ट बना सकते हो, अदरवाइज सिंगल भी लगा सकते हो, अपनी चॉइस की बात है। अच्छा। अभी 16x16 की विट्रीफाइड टाइल्स है, 12 mm की, ओपन छत, बालकनी, एंटी स्केट है। टाइल लगाते हैं, टाइल के नीचे गैप रह जाता है, हमारे पास बहुत सी ऐसी बहुत सी टाइल्स हैं जो हैवी ब्यूटी टाइल्स बोलते हैं इनको हम। ये हमारे पास जो भी 16x16 के जो टाइल्स लगी हुई है, सारी हैवी ब्यूटी टाइल्स हैं ये, यूज फॉर पार्किंग, उसको आप पार्किंग में भी यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा हैवी होती है ये। जैसे कि कहीं अगर हम छोड़ देते हैं तो टूटने का डर रहता है, तो इस टाइल पे टूटने का कोई डर नहीं रहता। इसमें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2x4 में जो टाइल्स लगी हुई है वॉल पे हमारी, इसमें जो आप पूछ रहे थे मेरे से फ्लोर की टाइल्स, तो फ्लोर की टाइल्स में क्या है, हमारे पास हैवी ब्यूटी टाइल्स होती है, जो कि 16x16 होती है, 12 mm की विट्रीफाइड टाइल्स है ये। ओपन छत पे, बालकनी में या बाथरूम में एंटी स्किड की जरूरत होती है, वहां लगा सकते हो आप इसे। यूज फॉर पार्किंग भी है ये, अगर आप पार्किंग में यूज करना चाहो तो पार्किंग में यूज कर सकते हो, हैवी होता है काफी, जैसे कहीं थोत वगैरह रह जाती टाइल्स के नीचे, मसाला ना हो तो भी ये जल्दी नहीं टूटेगी आपकी टाइल्स। देखो सर, इसमें क्या होता है कि रेस्ट होती है, पूरी विट्रीफाइड, फुल विट्रीफाइड, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और हमने बाथरूम के कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं इसके अंदर, इसलिए रख रखा है ताकि अगर बाथरूम में क्या होता है कि हमें स्लोप की जरूरत होती है, तो स्लोप के हिसाब से हमारे पास जितने छोटे साइजेस होंगे उतना अच्छा स्लोप होगा बाथरूम में। ये 1x2 की सेरामिक टाइल है, बाथरूम वॉल्स की है, 1x2 की सेरामिक टाइल्स है, इसके साथ 16x16 की फ्लोरिंग, जो कि फिश का डिजाइन है ये, मछली का जो कि हमने लगा रखा है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वॉल टाइल्स का मतलब ये नहीं है कि हम बाथरूम में लगा सकते हैं, जैसे कि पार्किंग यूज में भी कर सकते हो आप, वॉल पे या रूम वॉल्स पे लगाना हो रूम वॉल्स पे लगा सकते हो। हमारे पास बहुत सारे डिजाइन हैं। ये देखो, ये नया कॉन्सेप्ट मंगाया हमने, अगर कोई एक वॉल हाईलाइट करनी हो आपको, उसमें भी काफी अच्छा लगेगा ये। वन वॉल हाईलाइट कीजिए इससे आप। ये हमारे पास मैट फिनिश में भी है, ग्लॉस में भी है, सैटिन मैट में भी है। ये मैट फिनिश है, स्मूथ है काफी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी फ्लोर तो हमने सारा 16x16 ही लगा रखा है, क्योंकि ज्यादा बेस्ट होता है 16x16, एंटी स्किट भी है और हैवी ब्यूटी टाइल्स है। फिर हमें बाथरूम में क्या होता है, सीलन की समस्या होती है कई बार, तो हैवी ब्यूटी टाइल्स लगाने से ये कि सीलन बिल्कुल ही नहीं आएगी आपकी। ये बाकी वॉल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स लगा रखे हमने, 1x2 में है, 2x4 में भी है, सारे साइजेस में है हमारे पास।